उत्तराखंड में कावड़ मार्ग और खाद्य पदार्थों की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के निर्देश पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि लोग नहीं जानते कि कावड़ यात्रा में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये महान यात्रा है जिसका सौभाग्य उत्तराखंड को मिलता है। उस सौभाग्य में दाग क्यों लगाया जा रहा है? कल को जो सब्जी आ रही है उस पर भी लिखना पड़ेगा कि वो किसके खेत की है। भगवान शिव तो सबके हैं। जिस छुआछूत को देश ने आजादी मिलते ही दफन कर दिया था उसे दूसरे रूप में लाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों सरकारों को इस आदेश को वापस लेना चाहिए। बेहुदा निर्णय है, ये निंदनीय निर्णय है और ये निर्णय वर्षों पहले जिस छुआछूत अस्पृश्यता को देश ने तिलांजलि दे दी, समाज ने तिलांजलि दे दी, ये उसको दूसरे फॉर्म में लेकर के आ रहे हैं, दूसरे फॉर्म में लेकर के आ रहे हैं। यूं भी होटल ढाबे ठेलियाँ दूसरों में लोग, ऐसा नहीं है कि यदि नहीं जानते कि कांवड़ यात्रा में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हाँ, कभी कभी हिंदू होटलों में भी लहसुन प्याज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो बता देते हैं लोगों को, क्योंकि सब जानते हैं कांवड़ यात्रा और शिव भक्त। तो ये एक महान यात्रा है, इस महान यात्रा के आयोजन का उत्तराखंड को सौभाग्य मिलता है। उस सौभाग्य में ये दाग कहाँ से लगा दे रहे हैं? इसका सब लोग कांवड़ का स्वागत करते हैं। मैंने मुसलमान भाइयों को देखा है जो पानी लेकर के वो लेकर के खड़े रहते हैं, हा? जो इसका स्वागत करते हैं और कांवड़ी लोग जो है उसको ग्रहण करते हैं। और फिर क्या क्या चीज़ के लिए मना करोगे?